हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध की गणना कैसे करें। यानी आपको पता होगा कलर कोड के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार ऑनलाइन टेस्ट में मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे क्वेश्चन जिसमें आपको टॉलरेंस बताना होता है। तो उनको कैसे याद रख सकते हैं, आसानी क्या होती है। सबसे पहले देखिए, कोई भी सर्किट बनाने से पहले उसका सर्किट डायग्राम बनाया जाता है और उस सर्किट डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट लगाए जाते हैं और सभी कंपोनेंट की कोई ना कोई निश्चित वैल्यू ज़रूर होती है एक, और उसी निश्चित वैल्यू के आधार के ऊपर इन जो कंपोनेंट होते हैं उनको लगाया जाता है। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिन पर उसकी वैल्यू लिखी जाती है या लिखी हुई होती है, यानी कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके ऊपर वैल्यू नहीं लिखी होती है, जैसे कि कैपेसिटर होता है। आपको पता है कैपेसिटर के ऊपर कभी भी देख लेना, उसके ऊपर म्यू एफ यानी माइक्रो फेरेड में उसका मान लिखा हुआ होता है। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं लिखी होती और उनके ऊपर कुछ कोड लिखा होता है जिनसे हमें पता करना होता है भी इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे आपने रेजिस्टेंस कभी देखा होगा, आप अगर कभी भी रेजिस्टेंस देखोगे तो उसके ऊपर सिर्फ अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती है, उसके ऊपर मान नहीं लिखा हुआ होता है। या तो हम उसको मल्टीमीटर से चेक करके पता लगा सकते हैं भी ये कितने रेजिस्टेंस का है या कितने ओम का है, तो कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है। इसलिए जो कलर कोड होता है उसी को बोलते हैं गणना करनी है, उसी के आधार पर हमें पता लगाना है भी क्या होता है ये सिस्टम। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम। तो दोस्तों रेजिस्टेंस भी एक ऐसा ही कंपोनेंट है जिसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कलर कोड बनाए जाते हैं जिससे कि उसकी वैल्यू पता लगाई जा सकती है। और इन कलर कोड को याद रखना भी बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन कलर कोड को आपको बार बार लिख कर देखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो कलर कोड कैसे करें या प्रतिरोध की गणना कलर कोड के अनुसार कैसे निकालें, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, जरूर अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध पर कलर कोड का मतलब होता है कि उस पर कुछ लाइनें बनाई जाती है अलग अलग कलर के द्वारा, जैसे कि लाल नीला काला इत्यादि, और इन सभी कलर्स को एक खास पैटर्न में मिलाकर किसी भी प्रतिरोध की वैल्यू पता कर सकते हैं। और सभी रेजिस्टेंस पर तीन रंग की लाइनें बनाई जाती है, लेकिन उसके अलावा भी उसके ऊपर एक गोल्डन की होगी या तो या एक सिल्वर की होगी जो कि टॉलरेंस रिंग कहते हैं उन्हें, या टॉलरेंस दर्शाते हैं। अगर गोल्डन और सिल्वर ना हो तो इसका मतलब टॉलरेंस का मान वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंत तक, देखिएगा क्या लिखा हुआ होगा और क्या माना जाता है। तो दोस्तों इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा, यानी फर्स्ट कलर ऐसे हो गया, यहाँ पे देखिए एक कलर की पट्टी आ गई, सेकेंड कलर ये हो गया, ये देखिए बीच वाला जहाँ पर रेड कलर की आ गई, फिर ये ग्रीन कलर का आ गया यानी थर्ड वाला, और ये होती है टॉलरेंस पट्टी जो कि साइड में होगी। समझे आगे होगा आप सभी के, यानी टॉलरेंस रिंग। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों टॉलरेंस रिंग में जो भी रंग दिखाया जाता है वह उस प्रतिरोध के प्रतिरोधकता क्षमता पर तापमान के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसको दर्शाता है। अगर टॉलरेंस रिंग सुनहरी या गोल्डन होगा तो प्रतिरोधकता तापमान के कारण 5% कम या ज्यादा हो सकती है। अगर टॉलरेंस रिंग सिल्वर रंग हो तो प्रतिरोधकता तापमान के कारण 10% कम या ज़्यादा हो सकती है, या तो 10% कम होगा या 10% ज़्यादा होगा। अगर गोल्डन होगा तो या तो 5% कम होगा या 5% ज़्यादा होगा। अगर टॉलरेंस रिंग कोई भी रंग ना दिखाई दो तो प्रतिरोधकता तापमान के कारण 20% कम या 20% ज़्यादा हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सिल्वर और गोल्ड ना हो तो उस सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया, लेकिन यह फॉर्मूला एक श्रेणी पर निर्भर करता है, और यह श्रेणी आपको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, वो होती है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो दोस्तों इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं बी बी रॉय इस वाले फॉर्मूले से। तो बी बी रॉय, बी का मतलब ब्लैक, बी से होगा ब्राउन, और बी बी रॉय आर से हो गया रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, और फिर बी से ब्लू, वी से वॉयलेंट, और उसके बाद में जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट। तो दोस्तों इस टाइप से इनको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वाले आते हैं गोल्ड और सिल्वर, वो अलग हो गए। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले से
इस टाइप से इतना ही याद रखना है। चलिए आपको बता देता हूँ मैं, बी बी रॉय, बी का मतलब हो गया सबसे पहले देखिए ब्लैक, और ब्लैक का कोड नंबर क्या होता है, 0, 10^0 होगी तो इसका मतलब ब्लैक होगा। और गोल्ड का क्या होता है, ±5%, सिल्वर का क्या होता है, ±10%, अगर कोई भी कलर नहीं होगा तो उस सिचुएशन में ±20% होगा। टॉलरेंस की बात हो रही है यहाँ पे ओनली फॉर, तो टॉलरेंस के अंदर ये तीनों आते हैं। उसके अलावा बी बी मतलब दूसरे वाला भी आएगा तो ब्राउन हो गया, ब्राउन का कोड नंबर होता है 1, 10^1। और रॉय आर मतलब रेड, रेड का 2 होता है, 10^2। फिर ओ, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज का 3, 10^3। उसके बाद में आता है येलो, तो बी बी रॉय मतलब 4, 10^4। उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन को 5 से 10^5। फिर आता है बी से ब्लू, ब्लू को 6, 10^6। फिर वी से वोयलेंट, 7, 10^7। और उसके बाद में आता है ये देखिए ग्रे, 8 हो गया, 10^8। और वाइट, वाइट को 9 से प्रदर्शित किया जाता है, 10^9। और गोल्ड और सिल्वर मैंने आपको बताया ही था, लास्ट में आता है 0.1 और 0.01, ये इनके मान होते हैं। तो समझें आगे को आप सभी को, यानी ये फॉर्मूले होते हैं, ये आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। पहले रंग का जो फॉर्मूला होगा, 3 कलर होते हैं हमेशा, आपको ध्यान रखना है, पहले रंग का फॉर्मूला होता है हमेशा इंटू 10 से गुणा करना है, उसके बाद में प्लस, फिर दूसरा रंग हो जाएगा, फिर गुणा में हो जाएगा तीसरे रंग का गुणांक, उसके बाद में आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पहले रंग को आपको गुणा करना है 10 के साथ, दूसरे रंग को नॉर्मल लिखना है, उसके बाद में गुणा हो जाएगा तीसरे रंग का गुणांक के साथ। समझे आगे होगा आप सभी को, तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल पाओगे। तो रेजिस्टेंस की जो पावर रेटिंग होती है वो क्या होती है, जब कोई प्रतिरोध बिना खराब हुए अपने अंदर से ज़्यादा करंट गुजार देता है तो वह उस प्रतिरोध की पावर रेटिंग कहलाती है। किसी भी प्रतिरोध की पावर रेटिंग पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पी बराबर में आई स्क्वेयर आर। ये तो पावर निकालने का है, तो किसी भी प्रतिरोध की पावर रेटिंग पता करने के लिए उसमें से प्रवाहित हो रहे करंट का वर्ग करके उसके रेजिस्टेंस से गुणा कर देना चाहिए, जो कि सूत्र में दे रखा है आपको पता ही है, और रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप सभी को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।